आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बदल सकती है, ऐसा अब्दुल कलाम जी ने कहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सिंह, बिजनेस कोच और बिजनेस कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं इस जबरदस्त वीडियो के अंदर। आज मैं बात करने वाला हूं ग्रेट लीडर की ऐसी कुछ आदतों के बारे में जो हमें भी एक ग्रेट लीडर बनाने में मदद कर सकती है। तो कौन सी वो आदतें हैं, चलिए हम जानते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट आदतें बताने वाले हैं जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ ला सकते हैं और आप भी उस महान शख्सियत में शामिल हो सकते हैं जिनकी मिसालें दी जाती है। जिसमें सबसे पहली आदत है बी एन अकाउंटेबल टू सेल्फ। एक महान लीडर जो होता है वो खुद के लिए सबसे पहले अकाउंटेबल होता है। लोग कोई उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसने जो खुद के लिए नियम बनाए हैं उसको वो हमेशा पालन करता है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जो लोग ग्रो नहीं करते हैं वो लोग दिखावा करते हैं और यही उनकी कहीं ना कहीं नाकामयाबी की वजह बनती है। कि जब कोई उनको देखता है तब वो एक दिखावा करते हैं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन जब उनको कोई नहीं देखता है तब वो कहीं ना कहीं अपनी असली रूप में आते हैं और यही दिखावा उनकी लाइफ में ग्रोथ ना करने की सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। दूसरी है वन थिंग एट अ वन टाइम। जी हाँ, मैंने लोगों को देखा है कि लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, एक साथ में दो चार पांच बिजनेस शुरू कर देते हैं और किसी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाते, जबकि जो महान लीडर होते हैं वो एक समय पर एक काम को फोकस करते हैं और उसको वो पूरी 100% देकर बड़ा बनाते हैं और यही उनकी महानता का, यही उनके ग्रेट होने की सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि एक समय पर वो एक चीज को फोकस करते हैं और आपको भी अगर ग्रेट बनना है तो एक समय में एक चीज को फोकस करने की आदत डालिए, क्योंकि मल्टीटास्किंग से आप 100% रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी, बी फ्लेक्सिबल एज पर नीड। जी हाँ, एक ग्रेट लीडर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो समय और परिस्थिति के अनुसार ढल जाता है, जबकि एवरेज जो लीडर होते हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं ढलते हैं और यही कहीं ना कहीं उनको एवरेज बनाने के लिए काफी होता है। तो अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं, आप एक महान लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको परिस्थिति के अनुसार ढलना आना चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा परिस्थिति के अनुसार ढलना और यही आपको कामयाब बनाने में, यही आपको महान बनाने में सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। चौथी चीज जो है वो है बी एन एक्सट्रीम लर्नर। जी हाँ, मैंने देखा है कि जो भी महान लीडर हैं वो नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वो लगातार अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं, वो लगातार अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं और यही उनकी महानता का एक सबसे बड़ा रहस्य है। अक्सर आपने देखा होगा, बिल गेट्स के बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं शायद आपने सुना होगा कि बिल गेट्स हर 6 महीने के बाद 2 हफ्ते की छुट्टी लेते हैं और उस टाइम पर वो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं और यही कहीं ना कहीं उनको ग्रेट बनाने में सबसे बड़ा उनका मील का पत्थर साबित होता है। इसीलिए एक जो ग्रेट लीडर होता है वो हमेशा अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता है, अपनी स्किल्स को डेवलप करता है और यही उसको महान बनाने में उसको ज्यादा हेल्प करता है। पांचवी जो सबसे अहम है कि बी इन मेंटरशिप। जी हाँ, एक ग्रेट लीडर का कोई ना कोई मेंटर, कोई ना कोई कोच, कोई ना कोई गुरु जरूर होता है और ये उसकी आदत हमेशा उसको ग्रो करने में मदद करती है। तो जरा आप अपने आप से पूछिए कि क्या आपका भी कोई कोच या कोई कंसल्ट या कोई मेंटर या कोई गुरु है जो आपको मदद कर रहा है आपको ग्रो करने में। तो जितने भी ग्रेट लीडर हैं उनकी आदतों में ये भी एक आदत है कि वो हमेशा अपने मेंटर की मेंटरशिप प्रोग्राम में रहते हैं और इसीलिए वो लगातार ग्रो करते हैं। तो ये आदत भी आपको डेवलप करनी चाहिए अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं। तो ये 10 आदतों में से मैंने 5 आदतें देखी जहां पर हमने डिस्कस किया कि ग्रेट लीडर की कौन सी वो 5 आदतें हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा दूसरे कौन सी वो 5 आदतें हैं जो एक ग्रेट लीडर को और महान बनाते हैं। तो जरा इसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये 5 में से कौन सी आदत आपको सबसे अच्छी लगी जो एक लीडर को ग्रेट बनाने में मदद करती है। और आने वाले वीडियो के लिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं एक ग्रेट लीडर बनने से चूक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों तक जिन लोगों तक आप चाहते हैं कि वो भी अपने लाइफ में एक ग्रेट लीडर बने और हम आने वाले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।